मैं यहाँ बैठने वाली बहनों को माताओं को कहना चाहता हूँ, आपकी गुडविल क्या है समाज के बीच में। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बाधा डैप की बात पूछना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार में आपकी गुडविल क्या है। मैं समाज की बात नहीं करना चाहता हूँ। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आपके परिवार में आपकी गुडविल क्या। यहाँ बैठने वाली सास को कहना चाहता हूँ, आपकी बहु 10 जगह बोले सास तो मेरी, आपने शायद देखी नहीं होगी, लाखों जन्म का पुण्य होगा तब ऐसी समझ, ये गुडविल आपकी। और आपकी सास बाहर जाकर के बोले बहू तो हर एक घर में होगी, मेरे घर की बहू इनका कोई मुकाबला नहीं। क्या पाया है मैंने उनको लेकर, आपने इतना किया है क्या? सारी दुनिया के बीच में तुम्हारी क्या गुडविल है नहीं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ फैमिली के बीच में तुम्हारी गुडविल क्या। मिलो मेरे किसी भी साधु को, 10 लाख की सभा में प्रवचन करके आया दिल्ली में, वो गुडविल में नहीं चाहता हूँ। मेरा हर परिवार मेरे पीछे पागल है, दिस इज माई गुडविल। पत्नी के पास उनकी कोई फ्रेंड आकर के बोलेगी तेरे हस्बैंड को मैंने किसी लड़की के साथ देखा था, और आपकी पत्नी बोले गलत होगा, देखा होगा तो भी मेरे हस्बैंड को मैं जितनी पहचानू, तूने चले जा, बात कभी मत करना, मालूम है मेरा पति कौन है, मैं समझती हूं तू कौन कहने वाली है। हर क्षेत्र में मेरा पति गलत हो सदा, मैं कैरेक्टर में मुकाबला नहीं इनका। आपका मित्र आपके पास आकर के आपकी पत्नी के लिए बोले, यही जवाब आपकी पत्नी का हो, जानता हूं मेरी पत्नी क्या है, बात किया तो जीभ निकाल दूंगी तेरी। मैं बताना चाहता हूं, आज प्रसंग निकला था पंकज सोसाइटी में, 2 साल के पहले वीआर करके निकला ना, जैसे ही कपड़ा पहन के मैं निकल रहा था, अहमदाबाद छोड़ के आ रहा था, जा रहा था बारडोली की ओर, और उसी टाइम एक भाई आए, महाराज साहब जाने की जल्दबाजी होगी मगर एक बात आपको मैं कहने के लिए आया हूँ। मैं बोलो, महाराज साहब मेरी माँ 22 साल से बीमार थी, अनिल बार पब्लिक इतनी खड़ी है और मैं वीआर करता हूँ, मैंने बोला भाई जल्दी, महाराज साहब जल्दी बताऊँ मगर एक बार आप सुन के जाओ, महाराज 22 साल से मेरी पत्नी माँ से दूर नहीं गई है, स्टिल 22 ईयर्स, न दिन को न रात को। मैं कितनी बार फॉरेन गया, मेरी पत्नी को कहा, पत्नी ने बोला शादी भले आपसे की मगर माँ जब तक है तब तक मुझे कुछ बात बताना नहीं, मैं कांकरिया भी घूमने के लिए आना नहीं चाहती हूँ, अमेरिका की तो बात छोड़ दो, माँ सबसे पहले है, आप हो मगर माँ सबसे पहले। और महाराज साहब 15 दिन के पहले डॉक्टर ने मुझे बता दिया अभी माँ लंबे समय तक नहीं। खैर 22 साल की बीमार थी तो कभी तो ये सुनने का होता होना था। मेरी पत्नी को मैंने कहा बस माँ 15 दिन है, महाराज साहब रोने लगी मगर दिल बिरा करके। महाराज साहब एक दिन संडे के दिन मैं बैठा था, मेरी पत्नी माँ के पास बैठी थी और माँ को एक प्रश्न पूछा, माँ कोई उम्मीद है क्या? मुझे क्यों पूछती आज? मां इतने साल से आपके साथ हूं, मैं खुद मानती हूं कि आपको मैं हर तरह से संतुष्ट कर देती हूं मगर कभी कभी मे बी पॉसिबल आपके मन में भी कोई भाव हो, मरने वाली हूं मां। नहीं, किसी ने बोला नहीं मगर आपके मन का कोई भाव है तो बता दो मां, मैं पूर्ण कर दूं। और महाराज साहब मेरी सामने मेरी पत्नी को माँ ने कहा एक अरमान है तू पूरा नहीं कर सकती, माँ हो ही नहीं सकता, नहीं कर सकती। माँ 22 साल से सेवा की, इनका यही फल, दुनिया की कोई ताकत आपके अरमान को पूर्ण करने से मुझे नहीं रोक पाती, आप मेरे से क्या चाहती हो? नहीं होगा बहन, नहीं होगा तेरे से। महाराज साहब बाजू में बैठी हुई माँ को, पत्नी को माँ ने 2 हाथ से पकड़ लिया, माँ बोल दो जो भी अरमान है बोल दो, एक अरमान है अगले जन्म में तू मेरी सास बन, बहू बन के मैं तेरी सेवा करना चाहती हूं। महाराज साहब पूरा घर रो रहा था, बावीस साल के इस बलिदान को मैं कैसे कद्र करूं?
एक ही रास्ता है कि अगले जन्म में तू मेरी सास बन, बहू बन के तेरी सेवा करके ये बदला चुका दूं। मिलेगा एक घर इंदौर में ऐसा? नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं कहना चाहता हूं। ये गुडविल तुमने क्रिएट की है परिवार के बीच में, सारी दुनिया आपकी तारीफ करती है, आपका बेटा बेटी, आपकी पत्नी, आपके मां बाप के लिए, इनके मन में तुम्हारा क्या क्या स्थान क्या है? महाराज साहब बेटा तो मेरा, मैं मेरे शिष्य की बात नहीं करना चाहता हूं, गच्छाधिपति को जाके पूछ लो, और मेरी ही गुणवीर की बात नहीं, ये बैठे भी रत्न महाराज आपके 62वें जन्मदिन के समय गच्छाधिपति का मेरे पे मैसेज आया कि वीरत्नमन ने मालवा में इतना काम किया है, मालो विभूषण की उनको उपाधि दो, सामने से ये गुडविल, ये गुडविल।